दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई और ईडी के खिलाफ जल्द बड़ा कदम उठा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की माने तो उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। दरअसल शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के समन पर चर्चा के लिए 17 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और आम आदमी पार्टी नेताओं पर कथित तौर पर बनाए जा रहे अनावश्यक दबाव को लेकर चर्चा की थी। सीएम ने इस दौरान केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, उसी दिन मैं समझ गया था कि अगला नंबर मेरा ही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के सवालों का जवाब तो दे दिया है और जांच में भी पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन झूठी गवाही देने और अदालतों में झूठे सबूत पेश करने के लिए सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज करूंगा। और सीबीआई ने झूठा झूठ बोल के ओथ पे एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, एक कोई चंदन रे, और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, थर्ड डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। आपको बता दें कि शराब नीति मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की चार्जशीट में घोटाले के कुछ आरोपियों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। इनमें से एक ने केजरीवाल से वीडियो कॉल पर बात करने का भी दावा किया था। ईडी की चार्जशीट में नाम आने के बाद ही सीबीआई अलर्ट मोड पे आई और सीएम केजरीवाल से पूरे दिन पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक एजेंसी को इस मामले में कुछ और लोगों ने मौखिक दलीलें दी थी और एजेंसी इसी बात की जांच कर रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल शराब के थोक लाभ मार्जिन में कथित बदलाव के बारे में जानते थे या नहीं। हालांकि ये जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि सीबीआई केजरीवाल को क्लीन चिट देगी या नहीं देगी, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।